कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। अब अगला मिसरा सुनने के लिए रसूल की दो तीन अहादीस सुनिएगा, फिर शेर सुनने का लुत्फ आएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका बाब है, बाब यानी दरवाज़ा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब रसूल से मंसूब हो गए हुसैन, अब्बास हैं शबीह अली, अली से मंसूब हो गए मौला अली अलैहिस्सलाम, से मंसूब हो गए अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। तवज्जो इस तरफ रखिए, अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मंसूब हो गए मौला अली से, रसूल अल्लाह से मंसूब हो गए मौला हुसैन। अब ये जहन में रखिए, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आप सब ज्यारत पर जाते रहते हैं, अब जब जो एहतराम ज्यारत है, जो तरीक़ ज्यारत है करबला की, उसमें ये लिखा गया है कि जब भी इमाम हुसैन के रोज़े पर जाओ तो पहले अब्बास के पास से होकर जाओ। जैसे रसूल के पास आने के लिए अली के पास आना पड़ता है, मैं इल्म का शहर, अली उसका बाब यानी दरवाज़ा। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन रसूल से मंसूब हैं, अब्बास अली से मंसूब है। दूसरे मिसरे का लुत्फ लीजिएगा, कैसे बंदा ये समझ पाएंगे क्या है अब्बास, बाबे शबी शबीर शहनशाह वफा। अब्बास कैसे बंदा ये समझ पाएंगे क्या है अब्बास। शेर मुलाजा हो, शेर मुलाजा हो, अजीब लुत्फ। पहले मैं थोड़ी देर खुद ही सोच कर लुत्फ ले लूं, मैं शेर पढ़ने क्या लगा हूं। तवज्जो फरमाइएगा जो मिंबर पर बैठे हैं, तवज्जो फरमाइएगा जो आगे बैठे हैं। हाथ दोनों के नहीं नहीं दोनों मगर राज़िक हैं। माशाल्लाह,
माशाल्लाह सलामत रहें जो आप शेर को समझ कर बोले हैं। जजाक अल्लाह, आपने मिसरे का वजन किया है, हक अदा किया है। अगले मिसरे का हक अदा कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। हाथ किया है अब्बास, हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक है, हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक है। रिस्क अल्लाह का, जज़ाकअल्लाह। क्या है हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक हैं, रिज़्क अल्लाह का है, बांट रहा है अब्बास। अल्लाह जिस्म से मावरा है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह का ना हाथ है ना पांव है ना जिस्म है ना आंखें हैं, अल्लाह सिर्फ नूर है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। मगर अल्लाह का निजाम देखिए क्या है। अब्बास नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, तेरी नजरों से, तेरी नजरों से खुदा देख रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आप सबने बेहतरीन अंदाज से सुना और अब तक सुन रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अब आप हाथ दे रहे थे, अब तक जोर से दाद दे रहे थे, अब चलो अपना इम्तिहान लेते हैं। आप अपने तौर पे इरादा कीजिए कि इस शेर पर आपने खामोश रहना है, हाथ नहीं उठाना है। अरे मेंबर हुसैन की कसम, कलाम का जो मौला ने गौहर जाटवी साहब को अता किया है, ये अता मौला की तरफ से होती है, अल्फाज मौला के दरवाजे से आते हैं। उस अता के ऊपर इतना बड़ा दावा करके कह रहा हूं, मेरी अपनी कोई बड़ाई नहीं, जिक्र की बड़ाई है। आप इरादा कीजिए, अब तक आपने बहुत दाद दी, हाथ उठाकर दाद दिए, चीख चीख कर दाद दी, अब थोड़ी देर के लिए इरादा करें कि आपने खामोश रहना है और हाथ नहीं उठाने। लेकिन जो मैं शेर पढ़ने लगा हूं, इस शेर की बरकत ऐसी है कि इंशाल्लाह आपके इरादे खुद ही टूटेंगे, और आपके इरादे टूटेंगे, जबान के ताले टूटेंगे, और फिर आप बोलने पर पहले से ज्यादा मजबूर हो जाएंगे। शेर मुलाजा हो जी। क्या है जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, ऐसे छह माह के ऐसे अब्बास कैसे बंदे समझ पाएंगे। क्या है अल्लाह हु अकबर। ये जो रुक जाए तो इस्लाम की
सांसें रुक जा। अरे ये जो रुक जाए तो इस्लाम की सांसें रुक जाए, तेरे परचम की, तेरे परचम की हवा ऐसी हवा। ऐसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है। सब सुनिए, सब सुनिए। जंगे सफीन है, चंगे सफीन में हुआ क्या? गाजी अब्बास के चेहरे पर मौला अली अलैहि सलाम ने नकाब डाल दी और नकाब डाल कर कहा जाओ अब्बास जंग करके आओ। अब गाजी अब्बास जंग करने गए, हाथ में अली की तलवार है, चाल भी अली की, तलवार भी अली की। अब ये सोचना मुहाल है कि जंग हुई कैसे होगी, जो अब्बास अली का शागिर्द हो, अली का बेटा हो, अली का खून हो, फातिमा जहरा की दुआ हो, हसन का मान हो, हुसैन की जान हो, जैनब की चादर के साए में पला हो, उसकी जंग का मयार क्या होगा, ये सोचना मुहाल है। अल-किस्सा मुख्तसर, जंग से वापस लौटे मौला अली मुस्कुरा कर कहते हैं बोलो अब्बास कैसी रही जंग? कहा बाबा आपका मुस्कुराना बता रहा है कि मेरी जंग कैसी रही। मौला अली ने अपने सीने से लगाया और शाबाश देकर कहा। मौला अब्बास ने कहा बाबा वहां एक अजब मंजर देखा। अब यहां मैं हशमत बहलोल साहब के चंद मिसरे पढ़ने लगा हूं। एक अजब मंजर देखा। मौला अली कहते हैं क्या देखा अब्बास? कहा बाबा मेरे मुंह पर नकाब थी, जैसे ही मैंने घोड़ा दौड़ाया शामियों की तरफ, हर शख्स कहते भाग रहा था भागो मेरे पीछे अली है, भागो मेरे पीछे अली है, अली है, अली है। अब भागो का लफ्ज निकलना भी भूल गया और मुख्तसिल हो गया, आंखों आंखों में बात होने लगी। क्या हुआ? कहा अली 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 अली, इधर से अली उधर से अली। हमला ऐसा था, मौला अब्बास को मौला हुसैन, मौला अब्बास को मौला अली ने सीने से लगाकर कहा बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी। मस्त कलंदर नीमा, मस्त कलंदर अली, हाथ लगे सारे आपके आदमी माशाल्लाह। आदम का मौला, दामाद मोहम्मद, हसन का बाबा, हसन का बाबा, दरिया की रवानी, डूबो तो कनारा, मेरी आंख का तारा, फूलों का खिलना, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, नस्लों की तहारत, नस्लों की तहारत, दोनों हाथ बंद करके अली की वालायत का ऐलान करते हुए नारा शान से लगाओ, टंडो जाम से नारा चले, नजफ की बारगाह में पहुंचे, नारा हैदरी 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 अब्बास क्या है अब्बास। सुनो अब्बास क्या है, जंगे सफीन में। नॉर्मली जब आप आसमान पे देखते हैं तो परिंदे नजर आते हैं ना, जंगे सफीन में क्या नजर आया? सर परिंदों की तरह उड़ते नजर आ, सर परिंदों की तरह उड़ते नजर आते हैं, कयामत तेरा से बंदा ये समझ पाए कि क्या है। हाँ यार चलो दोबारा इरादा करें खामोश रहने का, अब इरादा करें खामोश रहने का, इरादा करें दाद आपने बैठ के देनी है, जमीन पर अपने आप को फिक्स कर लीजिए, उठने पर इंशाल्लाह ये शेर खुद मजबूर करेगा। हाँ उठने पे शेर खुद मजबूर करेगा। शेर इतना बड़ा पढ़ने लगा हूँ, मैदान करबला में जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे लगा दिए दरिया के किनारे, तो फौज अश्किया का पैगाम आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि अपने खैमे हटा लीजिए, इस दरिया से हटा लीजिए। अब करबला में गाजी अब्बास ने कोई जंग नहीं की,
मगर एक जंग की। किबला नकी नकवी साहब, एक जंग की है ऐसी कि जो किसी शायर ने लिखा है, मैं शायर का नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर जिंदा है तो खुदा लंबी उम्र तो फरमाए, जिंदा नहीं तो आलमीन में जगह तो फरमाए। शायर कहते हैं, क्या जरी था, क्या जरी था जंग के मैदान में, अरे क्या जरी था जंग के मैदान में, आरजूए जंग से लड़ता रहा। गाजी अब्बास को पता चला कि खैमे हटाने का पैगाम आया है, अब मेरी तरफ देखे, गाजी अब्बास ने निकाली तलवार, अली का शेर पहुंचा नहर पे, तलवार से जमीन पर एक खत खींची, एक लकीर खींची, एक खत खींच कर कहा, ओ शामियों, पूरे अरब की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जाओ, अगर किसी माँ ने ऐसा बहादुर बच्चा जना है तो आए अब्बास के खींचे हुए इस खत को पार करके दिखाए। अब सुनिए हुआ क्या, ये खत क्या था। अब आप भले बैठ कर दाद देने का इरादा करें, ये मिस्र आपको खड़ा करने पर मजबूर करेंगे। क्या है अब्बास, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान यजीद, अरे खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान यजीद, तेरी बैत का, यही आपका अकीदा था, यही आपका अकीदा था जिसने आपको खड़ा करके रखा। क्या है, मुझे दुआ देने से पहले गौर जाकिर साहब की सेहत के लिए दुआ फरमाई, कि खुदा उनकी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जाए क्यों गारों पर अब इसमें गौहर और फरहान में सिर्फ मैं और गौहर जाकिर साहब ही नहीं, नकी नकवी साहब भी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, सारे जो लाइव देख रहे हैं वो भी हैं। जाए क्यों गारों पर हाने कहीं और भला, जाए क्यों गारों पर हाने कहीं और भला, हमको सब कुछ तेरी, हमको सब कुछ तेरी से मिला। अब्बा कैसे बंदा, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है।